नमस्कार दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात की परवाह ना करें, लोगों का काम है कहना, बस आप मंजिल को हासिल करने के लिए काम करते रहे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 21 फरवरी दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं इसके संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, आज भगवान हनुमान जी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्योदय 6:59 AM, सूर्यास्त 6:21 PM। सूर्य राशि सूर्य कुंभ राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 12:17 PM से 1:03 PM। आज का चाणक्य विचार। महिलाओं का दिल इतना कोमल होता है कि वो हर बात पर भावुक हो जाती हैं। कई बार उनकी इस आदत से आसपास के लोग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं का रोना आपके घर के लिए शुभ साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस चीज का जिक्र काफी अच्छे से किया है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बार बार रोने वाली महिलाओं की काफी कद्र और उनका सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली महिलाओं की खासियत। चाणक्य नीति के मुताबिक जो महिलाएं बात बात पर रो देती हैं, दरअसल वो अपने पति और परिवार से दूर नहीं जाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं परिवार को सदैव एकजुट रखना चाहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार रोने वाली महिलाओं के अंदर गुस्सा और किसी तरह का तनाव जमा नहीं हो पाता है, ये सब चीजें आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाती हैं। बात बात पर रोने वाली महिलाएं बेहद ही कोमल दिल की होती हैं, वे सबकी गलती को भुलाकर जल्दी उन्हें माफ कर देती हैं। ऐसी महिलाएं अपने मन में कोई भी बात ज्यादा देर तक लेकर नहीं बैठती हैं। जो महिलाएं बिना गलती के भी रोने लगती हैं, उनके अंदर अपने परिवार के लिए अटूट प्रेम भरा होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक बात बात पर रो देने वाली महिलाएं हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। उनके स्वभाव की यह खासियत पूरे परिवार को उनका मुरीद बना देती है। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाएं तो हर हालत में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। अपने जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करें और उसकी सफलता और खुशकिस्मती का जश्न मनाएं। उदार बने और ईमानदारी से तारीफ करें। कामकाज में व्यस्तता के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड़ेगा। नए प्रस्ताव आकर्षक होंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी का काम नहीं है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। प्रियतम से शादी करने का फैसला आप कर सकते हैं। अपने परिवार वालों से उन्हें मिलवाने का कार्यक्रम बनाएंगे। लवर को आपकी किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, उसका दिल जीतने की कोशिश करें, उसे नाराज ना करें। जीवन साथी और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। आज किस्मत आपके साथ रहेगी। कारोबारियों को अचानक धन लाभ होगा। कोई खोई हुई वस्तु आपको वापस मिल सकती है, जिसे पाकर मन प्रसन्न हो जाएगा। इस राशि के लोग परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे, जिससे दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। घर में बच्चों के साथ खेलना एक अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव होगा। अगर कहीं घूमने जाने वाले हैं तो आज का दिन अनुकूल है। चिड़ियों को बाजरा डालें, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ज्यादा तनाव से मस्तिष्क और शारीरिक क्षति भी पहुंच सकती है। आप कुछ आराम करें और तनाव को कम करें। पूर्व में की गई मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। पिछले कुछ समय से जिन गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, आज वो दूर हो सकते हैं। बातचीत को रिश्ते सुधारने का जरिया बनाएं। छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। झुंझुलाहट से बचने के लिए शांत चित्त रहें। व्यापार धंधे के विकास और आर्थिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है। वसूली या पैसे के लेन देन करने में सफलता मिलेगी। आपका सबसे बड़ा सपना आज हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी परेशानी का सबब बन सकती है। आर्थिक परेशानियों के चलते आपको आलोचना और वाद-विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए हो। पारिवारिक मोर्चे पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अन्य पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आप समस्या का समाधान करने में सफल रहेंगे। ये जिंदगी का हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। किसी की जिंदगी में भी सूरज की रोशनी या बादल की छांव हमेशा नहीं रह सकते। आज आप आनंद का अनुभव करेंगे। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए अपने आंख कान खुले रखें।
कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। इस राशि की महिलाएं रसोई के लिए कोई जरूरी सामान की खरीदारी में व्यस्त हो सकती है। टेंशन में आप कोई जरूरी सामान भूल सकती है, इसलिए लिस्ट पहले ही बना ले। बिजनेस संबंधी कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस पर एक बार फिर से अच्छे से सोच विचार कर ले। आज कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। कुत्ते को रोटी खिलाएं, काम में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। आज रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें, यह आपके लिए अपने अंतर्मन में झांकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका उपयोग अपनी कमियां दूर करने के लिए करना चाहिए। धन लाभ होगा। जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है। यथार्थवादी रवैया अपनाएं और जो आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाए उससे अच्छे से बर्ताव करें। पार्टनर की भावनाओं को समझें। आज के दिन क्रोध करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे अपने कार्य बिगड़ेंगे और व्यापार में हानि होने की संभावनाएं बनेंगी और आपके कार्यों में मुश्किलें उत्पन्न होंगी। आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जहर काम करेंगे। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहें और उत्साहित रखें अपने मन को। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर असर डाल सकती हैं। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। आपके आक्रामक मिजाज के चलते जो आपको नापसंद करते हैं आप और ज्यादा उनकी आंखों की किरकिरी बन सकते हैं। आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। आज किसी मित्र की मदद से आप राहत की सांस लेंगे। इस राशि के कारोबारियों को धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के खिलाड़ियों की रुचि अध्यात्म की ओर हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन आप कर सकते हैं। यात्रा आनंदमय रहेगी। किसी काम को लेकर दोस्तों की योजना से सहमत हो सकते हैं। मंदिर में गोले मिश्री का दान करें, आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज सेहत से जुड़ी समस्या आपको परेशानी दे सकती है। समूह में शिरकत दिलचस्प लेकिन खर्चीली रहेगी, खासतौर पर अगर आप दूसरों पर खर्च करना नहीं बंद करेंगे तो। जिन दोस्तों से अरसे से मुलाकात नहीं है उनसे मिलने के लिए सही समय है, लेकिन अपने दोस्तों को पहले ही इत्तला कर दें कि आप आ रहे हैं, नहीं तो आपका काफी वक्त खराब हो सकता है। रिश्तेदारों से तनाव और मतभेद दूर होंगे। व्यापार धंधे में अच्छे लाभ के योग हैं। आप अपनी समझदारी से कठिन काम भी सरलता से पूरा कर लेंगे। आपकी मेहनत आगे चलकर आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आप अपनी क्षमता जताने में कोई कसर ना छोड़ें। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाह जिन लोगों के नहीं हुए हैं उन्हें अभी खुद का सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। इसी के साथ विवाद को ज्यादा तूल देने के बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। मोहब्बत के मोर्चे पर आज आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि आपका महबूब आपकी रसिक कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। दिन भर आप थोड़े सुस्त और अनमने रह सकते हैं, जिससे आप काम की गुणवत्ता पर भी आपके असर पड़ सकता है। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो तल्ख टिप्पणी करने से बचिए। आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोगों के बीच आपकी प्रशंसा होगी। इस राशि के विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपके कामों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन शुभ है। आज बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज ओम शब्द का सस्वर उच्चारण करें। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन रोमांस में बाधा आ सकती है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हर तरह का निवेश करते वक्त भी पूरी सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ ही एक रोमानी दिन रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त होने का योग है। स्वास्थ्य में शिथिलता और व्यग्रता का अनुभव होगा। क्रोध के कारण आपका कार्य ना बिगड़े, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। धार्मिक प्रसंग में उपस्थित रह सकेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं। जीवन साथी को हर खुशी आप देने वाले हैं। लव लाइफ में आपसी रिश्ता मजबूत होगा, मधुर भी होगा। पार्टनर के निजी काम से बाहर जाने वाले हैं और प्रेमिका का प्यार भरा संदेश मिलेगा। प्रेमी किसी रोमांटिक जगह की सैर पर ले जा सकता है। दोस्तों आपका शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मरून। उपाय: लव लाइफ को अच्छा रखने के लिए एक दूसरे को चांदी की वस्तुएं भेंट करें। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।